हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कठपुतली लाल एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के बीए एलएलबी एंट्रेंस के बारे में। तो आज हम कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, कब इसकी क्लोजिंग डेट रहती है, कब इसका लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्या सिलेबस रहता है, एज, क्वालिफिकेशन, कंप्लीट डिटेल्स जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम और आगे एडमिशन तक के लिए जो यूजफुल होगी, तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि बीए एलएलबी एंट्रेंस के लिए राजस्थान में जैसे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और जो जेएनयू है वो सीधा ही एडमिशन लेती है, और जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें भी बीएलएलबी जो होती है उसके लिए आईयूलेट एग्जाम लगता है। तो हम यहाँ एमएलएसयू के बारे में बात करेंगे। तो देखो है कि एमएलएसयू लॉ एंट्रेंस जो एग्जाम है 2024 का बीएलएलबी के लिए, इसमें टोटल सीट 120 रहती है, ठीक है, 120 सीटों के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्रैल में आ जाते हैं, ठीक है, अप्रैल 15 तक जो है आपको देखने को मिल जाएंगे इसकी वेबसाइट पे। और जो इसका एग्जाम होगा, ठीक है, वो आपका जून 15 तक हो जाएगा, ठीक है, ये मान के चलो कि जून 15 तक आपका एग्जाम हो जाता है, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके अप्रैल 15 तक आ जाएंगे, और जो इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी वो मई लास्ट वीक तक रहती है, ठीक है। तो ये हो गई एक जनरल डिटेल्स कि कब तो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे और कब इसकी क्लोजिंग डेट और कब एग्जाम होता है, ठीक है। वैसे अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है, लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उसको एनालिसिस करके हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो जो 12th पास स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वही ये एग्जाम दे सकते हैं। अब 12th पास में जो जनरल कैंडिडेट है उनको 45% मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस 45% चाहिए होती है 12th में, ओबीसी एमबीसी इनको 42%, एससी एसटी को 40%। अब मान लो अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट है या फिर अदर स्टेट में उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है और अब उसको बीएलएलबी करनी है, तो उसको 60% चाहिएगी 12th के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना 60% है अदर स्टेट की अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, या फिर आप अदर स्टेट के हो तो ही आपकी यहाँ पे क्या है 60% अगर क्वालिफिकेशन मतलब मार्क्स है आपके 12th में, तो ही आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगी। अब यहाँ एज लिमिट भी बता दी गई है। एज लिमिट में क्या बताया कि जो जनरल ईडब्ल्यूएस है उनको 20 ईयर मतलब वो 20 ईयर के ही होने चाहिए, और जो ओबीसी एमबीसी एससी एसटी है वो 22 ईयर तक होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है एग्जाम मोड। ये एग्जाम मोड ऑफलाइन होगा जबकि जो उसके फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होंगे, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है, मतलब इसकी जो लैंग्वेज रहेगी पेपर की वो ओनली इंग्लिश रहेगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब बात आती है इसका सिलेबस क्या है। तो जो सिलेबस है इसका एग्जाम पैटर्न, जैसा कि बताया था ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी है इसमें और इसके जो भी कॉलेजेस है उसके अंदर ये एग्जाम होगा। तो देखो एप्टीट्यूड फॉर लीगल स्टडी, एप्टीट्यूड फॉर लीगल स्टडी का सबसे बड़ा पोर्शन है यहाँ पे 40 मार्क्स का, और 40 ही क्वेश्चन आएंगे, ईच जो आपका क्वेश्चन है ईच मार्क्स के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका एक मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन सी है, एप्टीट्यूड फॉर लीगल स्टडी में टोर्ट आएगी, ज्यूरिसप्रूडेंस, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट रहेंगे ये आपके एप्टीट्यूड फॉर लीगल स्टडी में रहने वाले, ठीक है, एक तरीके से बात करें हम ये बेसिक स्टडी है। और इसमें कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का भी रहता है, ठीक है। अब है जीके और करंट अफेयर। जीके आपकी वही पूरी इंडिया प्लस राजस्थान, और जो करंट अफेयर है ये लास्ट 6 मंथ की आपको देखनी है, इसके 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, इसी में ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड रहती है, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। फिर है नेक्स्ट लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये 20 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आपको जो सिलेबस है कंप्लीट के कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे ये भी हम आपको कंप्लीट डिटेल से समझा देंगे। जनरल इंग्लिश वही वॉकैब फ्रेजल एडिम्स,
ठीक है, जो भी आपने 12th तक अभी ग्रामर पढ़ी है वही, तो वो उसके भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपके इस तरीके से करके टोटल आपके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अगर आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, एप्टीट्यूड फॉर लीगल स्टडी, जीके और जर्नल इंग्लिश, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये कोर्स आपको 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐप पे मिलेगा, अगर अभी तक ऐप किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज और क्वारी है कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वारी है, ठीक है, आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना है, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, या फिर आपको इन फ्यूचर इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिखा रखा है, उससे भी आप जो है हमें बात कर सकते हैं। ठीक है, आर्यूलेट एंट्रेंस एग्जाम है जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर LLB के लिए चलता है, उसकी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, इसी बार से हम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की जो BA LLB एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। 20 मार्च से कोर्स लॉन्च हो जाएगा, तो आप जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एप्टीट्यूड फॉर लीगल स्टडी, GK और करंट अफेयर और जर्नल इंग्लिश, ठीक है, ये देखने को मिलेगी। बाकी आपको लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के सारे PDFs अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, और जो ये कोर्स है ये आपको 20 मार्च से देखने को मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इसका डिटेल वाइज है कि कौन कौन से जो इसमें टॉपिक्स होंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो देखो ये इसका जो एप्टीट्यूड फॉर लीगल स्टडी है, इसमें टॉर्ट, वेकैरियस लाइबिलिटी, जुरिसप्रूडेंस, जनरल प्रिंसिपल लॉ ऑफ क्राइम मतलब IPC, कॉन्ट्रैक्ट और कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पॉलिटी, तो ये सारे क्या हैं आपके एप्टीट्यूड फॉर लीगल स्टडी के टॉपिक्स हैं। फिर है आपका GK और करंट अफेयर, इसमें देखो इस पोर्शन में है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड UN बॉडीज। बी है मेजर डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स एंड इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, ठीक है। फिर करंट अफेयर हैं एनिमेंट पर्सनलिटीज, स्पोर्ट्स अवार्ड एंड ऑनर। तो जो भी जनरल नॉलेज के कॉमन ही सारे टॉपिक्स दे रखे हैं वो थर्ड टॉपिक्स नहीं हैं। ये है आपका लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं सिलोजिज्म, लॉजिकल सीक्वेंस, एनालॉजीज, ठीक है, कंप्लीट आर्ग्यूमेंट, ड्रॉइंग वेल स्पॉटेड कंक्लूजन, ये सारी जो है लॉजिकल रीजनिंग है। और एनालिटिकल रीजनिंग है जो कि नीचे वाले बी पोर्शन में दे रखी है आपको, तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रखा है पूरा कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। जर्नल इंग्लिश है, वर्कैब है, सनोम्स एंटोनिम्स एनालॉजीज, प्रोफिशिएंसी है, इडियम्स फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट, ठीक है। इंग्लिश यूजेस एरर हैं, कॉमन एरर, ठीक है, सेंटेंस में जो एरर होते हैं वो, एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है, विथ मिनिमम 2 पैसेज, फॉलो बाय 5 to 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सारा जो आपका कंप्लीट डिटेल्स के साथ सिलेबस समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोर्स सीधा ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। 20 मार्च से जो है ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, स्टार्ट है मतलब आपका, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।